वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कढ़ी की रेसिपी। अगर सब्ज़ी ना समझ में आए तो ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाव बेसन लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे और फिर इसके बाद एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच डालेंगे। और इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। एक चम्मच और डालेंगे। और अब हम इसमें दही डालेंगे। दही खट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, कि इसमें कोई गुठली ना पड़ी हो, लंग्स ना हो, इसलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर है तो ज़रूर इसका ट्राई करें। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। और अब हम इसमें तेल गर्म हो जाने पर हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद मेथी डालना, हाफ चम्मच ही समझ लीजिए, और एक चम्मच जीरा, और अब हम इसमें राई डालेंगे। ये सब अभी चटकने लगे हैं। अब हम इसमें अदरक के टुकड़े को डाल देंगे। अदरक के टुकड़े को हो जाने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी। और इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता मेरा सूख गया है, अगर आपके पास ताजे हो तो ताजे भी डालिए। और अब हम इसमें कढ़ी का जो घोल बनाया था उसको डालेंगे। अब हम इसको चला लेंगे, लगने ना पाए ये, ताकि, और ये अभी थोड़ी गाढ़ी है इसलिए हम इसमें और पानी डालेंगे। और उसी बर्तन में हम पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से छूट जाए सब। और इसको हम पानी डाल देंगे जब, तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे चारों तरफ से। और थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने देंगे, जब तक कि इसमें उबाल ना आए। हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा और। और इसको हम ढक देंगे लगभग 10 मिनट बाद या फिर 8 मिनट बाद। ये इस तरीके से पकने लगेगा। आप देख सकते हैं कढ़ी अब गाढ़ी हो चुकी है। गैस पे बर्तन गर्म होने के लिए रखेंगे, आपके पास जो हो फ्राई करने के लिए रखिए। और उस पर हम घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने पर उसमें हम जीरा डालेंगे हाफ चम्मच, और इसमें काली मिर्च का पाउडर है, हम इसमें तड़के में डालेंगे उसको। और उसके बाद साबुत लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ली है, और तेज पत्ता 2 पीस। इन सभी को डालने के बाद थोड़ा सा लाल होने देंगे इनको। और अब हम इसमें
हाफ लाल मिर्च और पाउडर इधर डाल कढ़ी दी हमारी पक रही है। हमने, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डाला है। और अब हम इसमें हाफ चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, इनको जलने नहीं देना है हमें। अब हम इन सबको कढ़ी में डाल देंगे और इस तरीके से बर्तन से हम डाल देंगे कढ़ी को, ताकि सारे मसाले झुक जाएं। और इसको चला लेंगे हम, ताकि मसाले सब में मिल जाएं। और अब हम इस पे हरी धनिया डाल देंगे और कढ़ी हमारी तैयार है खाने के लिए। आप इसे रोटी और चावल से खा सकते हैं, जब आपके पास सब्जी ना हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।